हेलो हाय एवरीवन वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माई सेल्फ अमृता पवार एंड आज हम लोग आरपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाले हैं एज यू ऑल नो आरपीएससी का डेट्स आ चुका है सो लेट मी नो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरपीएससी

आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी लेट मी नो अच्छे से आ रही आवाज ओके गुड लेट मी नो इफ एनी एनी थिंग इफ यू फील एनी एरर ओके बिकॉज और आल जस्ट सी इट कि बफर हो रहा है वीडियो राइट सो आई जस्ट सी इट दैट वॉट्स रॉन्ग वाई वीडियो इज बफरिंग Let me know. I'll be back, okay, just a minute. Let me just see this. What is happening? वीडियो बफर होते तो मी चेक कर दो तू तुझ दूध काम कर ओके सो वेलकम बैक अगेन अब देखते हैं क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है सुधीर कुमार यादव गुड इवनिंग सुधीर लेट मी नो इफ यू फेसिंग एनी ट्रबल एनी इश्यू फ्रॉम माय साइड आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आई होप आई एम ऑडिबल टू यू एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू लेट मी नो इफ एनी इशू तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं वी आर गोइंग टू टेक वी आर गोइंग टू स्टार्ट अः प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन ऑन आर पी एस सी जिसमें मैं आपका लेने वाली हूं जो टॉपिक उसका नाम है यस yes, जिसका नाम है इलेक्ट्रो डायनामिक्स हम लोग इलेक्ट्रो को पढ़ने वाले हैं एम ऑडिबल लेट मी नो ऑडिबल या चलो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्विकली दिखा दू हेलो हेलो यस आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ एक बार मुझे बता देना ठीक है कि इफ़ इफ यू फेस एनी ट्रबल एनी इश्यू लेट मी नो फाइन चलो सो so, कोई बफरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है अभी सब ठीक ठाक है uh, और जो कोई लोग मुझे देख रहे थे मुझे कमेंट करें कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है ठीक है बिफोर दैट लेट मे टेल यू फ्यू थिंक्स दैट आर पी एस सी का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम एटीन जनवरी यू कैन डेफिनेटली इनरोल राइट नाउ एज वेल अभी भी आप इनरोल कर सकते हो बिकॉज अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यू हैव सफिशियंट टाइम फॉर इनरोलिंग उसके बाद जो है आपका दैट इज नथिंग बट एम एच सेट का आपका जो न्यू बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है एटीन ऑफ जनवरी सो एम एच सेट के लिए जो महाराष्ट्र सेट है उसके लिए कोई भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे होंगे या खुद आप खुद प्रिपेयर कर रहे होंगे तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम एटीन जनवरी यू कैन एनरोल नाउ आगे बढ़ते हैं ये सी एस आई आर नेट फिजिकल साइंस इसका भी बैच स्टार्ट होने वाला है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो दोंग फॉर सी एस आई आर नेट दे कैन स्टार्ट एनरोट दे कैन स्मूथली डू प्रिपरेशन ताकि आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चले ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम योर साइट्स आपके इस तरफ से मुझे आंसर चाहिए कि इसके आंसर्स क्या होंगे इट शुड बी द इंट्रैक्शन शुड बी बोथ ऑफ वे राइट सो यू गाइज मी इन कमेंट सेक्शन द आंसर्स आई विल रीड द क्वेश्चन आर रियली वेरी 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 ईजी क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी है और अगर आप देखते हो तो पूरे मैं तो बोलूंगी के ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन है कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है uh, हम देखते हैं यहाँ पे वन बाई वन स्टार्ट करते हैं द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम आई रिपीट अगेन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज थर्टी डिग्री द दिलोसिटी इन अ मीडियम विल बी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा इफ द क्रिटिकल एंगल अगर आपको दिया जाता है थर्टी डिग्री द दिलोसिटी इन द मीडियम विल बी आपको ये क्या पूछ रहा है इन द मीडियम ठीक है ये मुझे कुछ थोड़ा सा इशू तो नहीं लग रहा है राइट जो भी लोग देख रहे हैं वो कमेंट करें डेफिनेटली आंसर्स को कमेंट करें या कुछ भी चीजें आपको जो लग रही है कि प्रॉब्लम आ रही है यू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन दोज आर वाचिंग बफरिंग प्रॉब्लम ही आ रही है राइट ओके okay. there is a buffering problem that i can also see okay anything else that you feel okay okay चलो so, तो इसका आंसर बता दो फटाफट कि क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मीडियम टू वैक्यूम इज थर्टी डिग्री द वेलोसिटी इन द मीडियम विल बी तो सिंपल सा है इसमें हम क्या करेंगे कौन से कंसेप्ट लगाएंगे क्रिटिकल एंगल की एक ही डेफिनेशन है एक ही फॉर्मूला है

अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सिंपल से सवाल है क्विकली हो जाएंगे आप बस रिस्पॉन्ड करिए ठीक है थीके? चलो द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैन बी गिवन बाय बाई व एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सिंपल सा फॉर्मूला है जैसे कि आपने कैपेसिटर को पढ़ा होगा तो वी जस्ट राइट इट्स अ डायरेक्टली फॉर्मूला कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है हाफ सी वी स्क्वायर इज द डायरेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है बिकॉज कोई डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है आ, ये बेसिक सी चीजें जो हम में पढ़ते हैं फॉर्मूला है सिंपल सा डिराइव नहीं करेंगे हम फॉर्मूला को अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू टू आर लोकेटेड एट ए एंड बी ऑन ए स्ट्रेट लाइन एट शोन इन अ फिगर बिलू द इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी जीरो पॉइंट सो जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन टू पॉइंट है हमारे पास बट यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए अगर तुम्हारा ए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तो दूसरा पॉइंट है ना जो बी पे रखा हुआ है दैट इज नेगेटिव नेगेटिव जब कोई पॉजिटिव और चार्ज ना वी कॉल देम एज अ सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस वी कॉल देम एज अ सिस्टम ऑफ अनलाइक चार्जेस कोई इसका आंसर मुझे बताएगा कमेंट्स में एनी बडी सुधीर कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन वॉट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये तो आसान सा सवाल है बहुत ही आसान सा सवाल है टू पॉइंट चार्जेस क्यू एंड क्यू टू दीज आर

तो यहाँ पे हमारे पास जो भी दो चार्जेस है वो अनलाइक चार्जेस है अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आराम से कि जो भी चार्ज न्यूट्रल पॉइंट होगा इट आउटसाइड आउटसाइड तो आउटसाइड में दो चांसेस है एक तो इधर हो सकता है ये इधर हो सकता है तो कहा पे रखना है नियर द स्मॉलर मैग्नीट्यूड छोटा मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे दिस जीरो पॉइंट टू माइक्रोकूल इज अ स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड तो उसके साइड में उसके बगल में होता है न्यूट्रल पॉइंट इट इज ए ये भी सवाल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कुछ नहीं है इसमें अगला क्वेश्चन प्लेन इलेक्ट्रोमैगनेटिकेब इन फोर टाइम्स स्किन डेप्थ का सिंपल फॉर्मुला आपको पता ही होगा स्किन डेप्थ को हम कैसे लिखते हैं स्किन डेप्थ इज गिवन बाई अंडर रूट ऑफ टू म्यू ओमेगा कंडक्टिविटी

उू डिफाइनसिकॉट और इसके value 377 ohm आती है, जो इसके भी बराबर है ऑप्शन थ्री एज वेल एज फोर आंसर की में इसको स्टार किया गया है क्योंकि दो दो ऑप्शन उन्होंने करेक्ट दिए थे तो आप इसको अटेम्प्ट भी कर देते हो तो आपको आंसर मिल जाता है तो अभी जब कभी भी आप कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए उसके मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं अगला क्वेश्चन लॉरेंस फोर्स लॉ ये तो काफी बेसिक सा सवाल है वॉट इज द लॉरेंस फोर्स लॉ दिस फोर्स लॉ इज सिंपली गिवन एज टाइम्स ई बार प्लस वी क्रॉस बी हम ये ट्वेल्थ में ही पढ़ते आते हैं द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड राइट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन की एनी uh, डाउट हो कोई चीज को लेके या कोई चीज का आंसर हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सो दैट इज अल वेरी मच सिंपल ऑप्शन थ्री अगला क्वेश्चन सेवेंथ अ पॉजिटिव चार्ज पेंड्युलटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट शोन इन अ फिगर बिलो इट्स टाइम पीरियड इज कम्पेयर टू वेन इट वॉज अनचार्ज बेसिकली कोई भी पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है

तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या होगा क्यू ई बाई एम उसके ऊपर जो इफेक्टिव जो लगेगा फोर्स पीरियड नाउ व्हेन यू क्योंकि रिजल्टेंट हो जाएगा जी माइनस तो ये जो है इसके ऊपर दो फोर्सेस है एक तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सो दिस इज न्यू बाई एम दिस एक्सेलरेशन एंड दिस इज जी माइनस क्यू बाई एम

द वोल्टेज वोल्टेज को हम कैसे लेते हैं टू हंड्रेड्रेड माइनस टू हंड्रेड मल्टीप्लाई द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और वो कितना दिया है टू वेबर पर सेकेंड सो नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाई टू सिंपल आ जाएगा मेरा फोर हंड्रेड वोल्ट आप देख सकते हैं कि द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पॉइंटिंग पॉइंटिंग वेक्टर वेक्टर तो हम काफी बेसिक से पढ़ते हैं कि इट्स इट्स इक्वेशन ऑफ अ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो द द पॉइंटिंग वेक्टर का जो इक्वेशन दिखाता है इट्स अ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंपल सा था बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था इसमें कुछ खास नहीं था

इसे हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला μ2 μ1 1 1, 1 r1 1 r2 तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा वी वांट द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ तो वो हम लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा क्या आप ये कर लोगे कैलकुलेट करके बताओ आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर इन अ वैक्यूम

जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो तीन चीजें हैं एक है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड और यू कैसे वेलोसिटी द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है यस हु विल चेंज योर वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दीज टू फैक्टर विल चेंज वेन अ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट फ्रीक्वेंसी डेंज देन वॉट चेंजेस वेवलेंथ एंड स्पीड सो इफ इट इज इंटरिंग फ्रॉम लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाइर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्सेंटीजेस पूछ रहे तो फ्रीक्वेंसी हम सिंपली okay, so कैसे देंगे सी बायडा सी कितना है थ्री इंटू टेन टू दावर एट डिवाइडेड बाई लैमडा सिक्स हंड्रेड लगा दो लैमडा आ जाएगा आपका आंसर फाइव इंटू टेन टू दावर फोर्टीन हर्ट ओके, यस अनिल गुड इवनिंग चित्रा गुड इवनिंग यस बहुत बढ़िया चित्रा गुड इवनिंग तो अगला क्वेश्चन को इसी प्रकार से लेते हैं सिंपल से क्वेश्चन से कोई खास नहीं है अगले क्वेश्चन में दिया है कि व्हेन लाइट वेव इंटर अ मीडियम ऑफ अ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी व्हाट विल है इट्स एंड वेवलेंथ चेंजेस

द लाइट सोर्सेस आर सेट टू बी कोहरेंट इफ दे जो भी टू लाइट सोर्सेस उनको कोहरेंट हम बोलते हैं तब इफ दे इफ दे वॉट सो यस द टू टू सोर्सेस आर सेट टू बी कोहरेंट वेन दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेंटेन अ जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस ठीक है सो दे शुड हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी

स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम इज ये भी बहुत सिंपल एंड मोलिकुलर जब पढ़ा था तो काफी बार मैंने बताया था इस फैक्टर को जिसको अल्फा भी बोला जाता है अल्फा इज अ फैक्टर इट्स अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ विलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट वर्स स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इसका वो आंसर बताएगा मुझे क्या होगा एनी वन हैज एनी आंसर ऑफकोर्स आंसर को हाईलाइट किया गया तो यह डायरेक्ट चीजें जो आपको पता होना चाहिए हम बोलते हैं इट्सोफ स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट सिंपल सा था इसमें कुछ और नहीं था अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट बाउंड्री कंडीशन डाइलेक्ट्रिक स्पीयर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस बाउंड्री कंडीशन के बारे में बाउंड्री कंडीशन के बारे में आपको पूछ रहे बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है ना उसका जो पैरल कंपोनट होता है इन मीडियम दैट इज कंटिन्यूस एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए पर फर्स्ट मीडियम दैट इज कंटिन्यूस इन द सेकेंड मीडियम तो ये चीज के बारे में ही है टेंजेंशियल so, कंपोनेंट मतलब क्या पैरेलल कंपोनेंट एंड नॉर्मल कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑल दीज आर कंटिन्यूअस इन द मीडियम ओके गुड इवनिंग अगला क्वेश्चन बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव वी डू नॉट मीन दैट वी डू नॉट मीन बोल रहे तो इसका आंसर क्या होगा इट इज द ग्रेडियंट स्केलर पोटेंशियल बहुत

डेल बार डॉट ए बार इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट नॉट अपेल फाइव बाई डेल्टी ये हम पढ़ते हैं राइट इज कॉल्ड यूर लॉरेंस गेस कंडीशन राइट अगला सो तो देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कुछ डेरिवेशन नहीं करनी है मतलब मैं तो बोलूंगी कि, कि काफी बेसिक क्वेश्चन है आप जरूर इस एग्जाम के लिए अपेयर करे प्रिपेयर करे एग्जाम पास में है पर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ वैरीज स्किन डेप्थ का फॉर्मूला मैंने अभी बताया डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू म्यू ओमेगा एंड सिग्मा सो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी स्क्वेयर रूट ऑफ कंडक्टिविटी आई कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ कंडक्टिविटी कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफिकल्ट चीज इसमें थी ओके okay?

अगला क्वेश्चन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैज अ स्टैटिक लीनियर चार्ज डेंसिटी टू कूलम पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस अब इसमें देखो अगर तुम्हारा कोई स्टैटिक चार्ज है स्टैटिक मतलब इट इज नॉट इन अ मोशन तो कोई स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा क्या नहीं करेगा द स्टैटिक चार्ज कैन ओनली फाइंड और दे कैन ओनली फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी स्टैटिक चार्ज होता है स्टेशनरी चार्ज होता है डू नॉट फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो बोल रहा है कि वोट इज अ डिस्टेंस आर तो क्या होगी जीरो जनरेट करता है द मूविंग चार्जेस ओनली जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड राइट दैट्स गेट कंफ्यूज अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर नॉट मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड

तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस हम गॉसियन सर्फेस को भी बोलते हैं जो क्लोज होती है एंड सिमेट्रिक होनी चाहिए यहाँ पे फिर हमें यही कंडीशन मिलती है स्पीयर की अदरवाइज बाकी सारी तो ओपन प्लेन से तो ये तो बहुत ही आसान सा था कि हम इसको सीधा लगा सकते हैं स्पीयर बिकॉज देर इज अरोप्ट एंड वी कैन मेक ओनली अल गन सर्फेस और इक्वीपोटेंशियल सर्फेस अबाउट दैट सिंपल सा सवाल था अगला और लास्ट का सवाल हमारे पास है इसका आंसर दीजिए आप लोग टू चार्ज्ड पार्टिकल ट्रैवल्स आइडेंटिकल हेलिकल पाथ दो चार्ज पार्टिकल है हेलिकल पाथ को ट्रैवल कर रहे हैं। हेलिकल पाथ कब होता है व्हेन अ चार्ज इंटर इन अक्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ चार्ज इंटर इनटू द क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड इट विल फॉलो अ हेलिकल पाथ प्रिय क्या बोल रहा है

आर इन कंप्लीटली अपोजिट सेंस तो एक बात तो पक्की है कि दोनों के चार्जेस क्या है अलग अलग है ठीक है सो सो ने रिप्रेजेंट पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल पेयर द चार्ज मास रेशियो दिस इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन वाई आप यहाँ पे सीधा ये भी लगा सकते हो एम वी स्क्वे बाई आर इक्वल टू क्यू वीबी एक वी चला जाएगा आपको तो आपको मिल जाएगा एम वी बाई आर इक्वल टू क्यू बी और आप यहाँ पे वी बाई आर क्या होता है ओमेगा सो एम ओमेगाक्वल टू क्यू बी वट इज योर ओमेगा ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम ठीक है तो अगर कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो एक के लिए ओमेगा दूसरा माइनस ओमेगा जब हम इनको एड करेंगे दैट इज क्यू बाई एम क्योंकि बी तो दोनों में सेम है माइनस क्यू बाई एम और सॉरी इफ आई एड बिकॉज दिसनस ट्रम देन इट है Gupta is asking, PDF मिल जाएगी क्या डेफिनेटली वी विल शेयर दिस पीडीएफ या फिर आपको वीडियो तो डेफिनेटली बाद में रिकॉर्डेड सेशन में मिल तो जाएगी ठीक है यहाँ पे नहीं लगा कि जो आप लोग नहीं कर सकोगे एक भी क्वेश्चन नहीं लगा कि आप लोग नहीं कर सकोगे क्वेश्चन आर वेरी रियली वेरी इजी तो मैं यहाँ पे दो चीजें बताना चाहूंगी पहली चीज अगर आप लोग आरपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हो आपको आरपीएससी के बारे में पता नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आरपीएससी इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका पेपर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती किया जा रहा है राजस्थान में इट्स अ गवर्नमेंट जॉब तो आपका आ, कुछ क्राइटेरिया है लेकिन उसके लिए आप क्राइटेरिया जरूर पढ़े उनकी वेबसाइट पे पढ़े या फिर हमने भी उसके ऊपर एक खास वीडियो बनाई है हाउ टू क्रैक आरपीएससी वो भी देखिए तो उसका फॉर्म भर दीजिएगा क्वेश्चंस इतने आसान है ना कि आप लोग मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन छोड़ पाओगे आर रियली वेरी इजी अभी आपने देखा भी होगा तो कितने मिनट में हमारे क्वेश्चन भी हो गए सो जस्ट गो थ्रू द आरपीएससी नोटिस वंस डेट आ चुके डेट है फरवरी में यू हैव थ्री मंथ्स टू प्रिपेयर प्रिपेयर इट थरली एंड गिव दिस एग्जाम एंड क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू है आपका और आपकी वो गवर्नमेंट जॉब पक्की है ठीक है सो दैट सिक फॉर टूडे मैं यही रुकना चाहूंगी एनी वन हैज एनी सजेशन रिगार्डिंग एनी थिंग लेटमी नो इन कमेंट सेक्शन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लाइव में क्या क्या चाहिए अगले वीक के लिए सो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन विल स्टॉप यूर फॉर टूडे थैंक यू सो मच